हो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम, उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है और गर्व महसूस कर रहा है। यहां 116 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। जीरो से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत हैं। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ मनीष वाजपेयी। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। कविता की इन पंक्तियों को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उच्चारित किया तो वाकई भारत के जन जन के मन में नई स्फूर्ति, नया उत्साह और एक ऊर्जा का जो संचार हुआ, वो संचार वाकई 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर रहा है। और 21वीं सदी के इस भारत में यही तो चाहिए, यही ऊर्जा, यही स्फूर्ति, तभी तो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। और इस नए भारत के निर्माण की बुनियाद में अगर कोई विचारधारा, कोई मंत्र अगर इसकी बुनियादी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है तो वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत का सिद्धांत। और वाकई एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ये विचार है उसकी वानगी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हम जहाँ पर मौजूद हैं वो आप देख ही रहे होंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। वाकई ये एक जीता जागता उदाहरण है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, क्योंकि जो कुछ इसमें हमें दिखा उसमें संपूर्ण भारत की झलक दिखी, संपूर्ण संस्कृत की झलक दिखी और हमें दिखा 21वीं सदी का उगता हुआ नया नव भारत। दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। दिल्ली की पहचान, हमारा प्रगति मैदान अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तैयार है। 3 नवंबर 1972 अंतर्राष्ट्रीय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ प्रगति मैदान का सफर, तब से लेकर आज तक ये स्थल बना कई ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का हम सफर। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा तो प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 21वीं सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि नए भारत में बढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग। 21वीं सदी के भारत में हमें 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला निर्माण करना ही होगा। इसलिए ये भव्य निर्माण, ये भारत मंडपम आज मेरे देशवासियों के सामने है, आपके सामने है।
भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बनेगा। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है। और भारत मंडपम आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का प्रतिबिंब बनेगा, यानी इकोनॉमी से इकोलॉजी तक, ट्रेड से टेक्नोलॉजी तक, ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिश्रम और ये विशाल परिसर, ये भारत मंडपम बहुत बड़ा मंच बनेगा। अगर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में जो भी बड़ी इमारतें हैं जिनसे हम अपना प्रशासनिक काम कर रहे हैं, जहां पे हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, वो लगभग लगभग 5 से 6 दशक पुरानी, या यूँ कह लें कि आज़ादी के पहले की हैं या आज़ादी के समय की हैं। वक्त बदला और वक्त के हिसाब से आवश्यकता बदली, ज़रूरत बदली, और बदलते ज़रूरत के हिसाब से जिन इमारतों का निर्माण होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन ज़रूरतों को, इन आवश्यकताओं को महसूस किया, और उसके बाद जो पिछले 9 साल में एक सिलसिला चला इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, उसके चलते देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसे निर्माण हम देख रहे हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उत्तम हैं, और साथ ही साथ अगर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहें या फिर हम ये कहें कि दुनिया में शुमार की जाने वाली ऐसी इमारतें निर्माण हुई जिनसे देश का गौरव बढ़ रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं, हम भारत मंडपम की बात कर रहे हैं, तो ये अति आधुनिक तमाम तकनीकों से सुसज्जित एक ऐसी इमारत है जिसमें कई एमपी थिएटर हैं, लोगों के हज़ारों की संख्या में बैठने की इसमें जगह है, और सब कुछ विश्व स्तरीय है। बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक है, बहुत कुछ ऐसा है जो बताने लायक है, बहुत कुछ ऐसा है जो इस संस्थान को, इस इमारत को, इस भवन को विश्व स्तरीय गौरव प्रदान करता है। 123 एकड़ में बने इस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स में होगी, जहां 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशन्ड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फीथिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल फील्ड्स जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इसके लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम को मिलेगा। जब हम भारत मंडपम का जिक्र कर रहे हैं तो इसके तमाम जो इसकी खासियतें हैं, जो इसकी विशेषता है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब हमारे पास में आप देख रहे हो ये एक शंख की आकृति बनी हुई है, पीछे पूरा जल का की प्रधानता कह सकते हैं, वो लगातार बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। दरअसल ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वास्तु का बहुत खासा ध्यान रखा गया है। भारत किस तरीके से सौर शक्ति यानी कि सूर्य की शक्ति का दोहन कर रहा है उसके बारे में भी यहाँ दिखाया गया हुआ है। इसके साथ ही साथ 02 इसरो को लेकर हमारी अंतरिक्ष में जो उपलब्धि है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो भारत की संस्कृत में जो 5 महाभूत यानी पंच महाभूत की बात करते हैं, प्रकृति यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसके बारे में भी, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ की जो दीवारें हैं, जो यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, उनमें भारत की जो तमाम क्षेत्रीय जो अंचल हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्थानीय जो कलाएँ हैं वो संस्कृति यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रही है, यानी कि इन सभी का एक मिला जुला एक स्वरूप हमें नज़र आता है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का, भारत मंडपम का। यहाँ 116 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है।
जीरो से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना आईईसीसी का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल फॉर लोकल का ये मंच भी होगा। भविष्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की पांचवी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट से परिपूर्ण आईईसीसी लग्जरी, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिस्टिकल वायबिलिटी और सेफ्टी का एक अनोखा संगम है, जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार सृजन भी होगा। जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात हम करते हैं, तो यकीन मानिए, जब भारत मंडपम हमारे नाम सामने आता है तो इसमें पूरा भारत समाहित हो जाता है। अब ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात कह सकते हैं कि भारत मंडपम नाम के पीछे की प्रेरणा कहां से आई, तो प्रेरणा आई है भगवान विश्वेश्वर का अनुभव मंडपम। अतिथि देवो भवः की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का मंच बनने के लिए तैयार है। लगातार हम बात करते रहेंगे इस भारत मंडपम के बारे में, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, आप मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी भारत मंडपम की। नौमी श्री भगवंतम गणपति मति वरदम वरदन्ति मुखम सुमुखम सादर मे करदम वरदम विपदुदधौतम धौतमलम शमलम शमलम विदमपि ददतम हतपापी शमलम। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya।
मंगलचले प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट मट 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 निनाद वट मर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोत्तु नः शिव शिवम् ओम नमः शिवाय जयस्वद प्रविभ्रम भ्रमद् भुजंग श्रस्वद विनिर्गम क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवा धिमि 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 ध्वनु मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। भारत मंडपम के निर्माण से जुड़े हर श्रमिक भाई बहन को, हर कर्मी को आज सच्चे हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। हम लोग ना ग्लास का काम किया था करके, ऑलमोस्ट 2 साल लगभग हो गया करके हम लोग, मतलब प्रॉपर तरीका से काम किया, सेफ्टी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। बहुत अच्छा लगा काम करके हमें, और ये सीवीसी कन्वेंशन सेंटर का जो भी फर्नीचर है, लकड़ी का जो भी काम है, वो पूरा बिल्डिंग हम उन्हें बना था, नर्सी पूरी टीम ने बन के। पूछ रहे थे काम के साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं हम, तो हम लोग का अच्छी बात है, बहुत खुशी हो गई है, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं सेफ्टी और क्वालिटी देखना पड़ता है कि अच्छे से अच्छी तरह से बन सके, तो हम लोग देख के काम किया था, तो एक अच्छे से सुविधा भी मिला है कि अच्छे से कंपनी ने बहुत सुविधा दिया था, अच्छे से काम करने के लिए मौका मिला था, और प्रधानमंत्री मंत्री से मिल के बहुत खुशी हो गई। एक खून से बने हैं हम सब, ना कोई अंतर है। देश के इस युवा शक्ति को बढ़ावा देने को आत्मनिर्भर भारत पूरा देश हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है, देखिए ना, ये एक सोच की बात है, एक विचार की बात है, एक दिव्य दृश्य दूरदृष्टि की बात है। हमारे यहाँ विकलांग भाई बहन हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये शब्द ठीक नहीं है, वाकई ये शब्द अपने आप में नकारात्मक बोध लिए हुए, नकारात्मक सोच लिए है, वो नाम बदल कर उनको दिव्यांग बनाया गया। क्यों? क्योंकि वाकई उनमें एक ऐसा गुण भी होता है जो उन्हें सबसे अलग करता है, और इसीलिए उनको कोई दिव्य अंग भी, यानी कि दिव्य एक कोई बात उनमें होती भी है, और यही सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी। कई कार्यों में हम देख सकते हैं, कई जो शुरुआत वो कर रहे हैं, उनके जो नामकरण हैं, उनके नामकरण, उनके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात हम करते हैं, तो यकीन मानिए जब भारत मंडपम हमारे नाम सामने आता है तो इसमें पूरा भारत समाहित हो जाता है। अब ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात कह सकते हैं कि भारत मंडपम नाम के पीछे की प्रेरणा कहाँ से आई, तो प्रेरणा आई है भगवान विश्वेश्वर का अनुभव मंडपम। और अनुभव मंडपम के बारे में कहा कि अनुभव मंडपम में परिचर्चा एवं अव्यक्त की परंपरा का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, और यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में स्वीकार किया जाता है।
मंडपम के इस नाम के पीछे भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरणा है। अनुभव मंडपम यानी वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति, अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति अभिमत। आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेखों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा और बड़े लक्ष्य हासिल करने होंगे। इसलिए बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो और बड़े कार्य करो, और इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहा है आज का भारत, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आप हमारे पीछे देख रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और वाकई अगर इस बड़ी सोच का नतीजा देखना है तो भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क है, सबसे ऊंचा रेल पुल है, सबसे लंबी सुरंग है, वाहनों के लिए सबसे ऊंची सड़क है, सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल पुल मौजूद हैं, और बात तो अब ग्रीन हाइड्रोजन तक की हो रही है, इसकी प्रगति के बारे में हो रही है। तो यही है 21वीं सदी का भारत और इसकी प्रगति, और इसी आधार पर हम आने वाले दिनों में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसरित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और वाकई कह सकते हैं कि अगर सब कुछ हो रहा है तो सबके साथ से हो रहा है, सबका विश्वास हासिल करके हो रहा है, सबका विकास भी हो रहा है, और तब बन रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि इसमें शामिल है जन जन की आकांक्षा और उनकी अभिव्यक्ति। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता था। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, इस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कहा भी गया है, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। हम पहले से बड़ा निर्माण कर रहे हैं, हम पहले से बेहतर निर्माण कर रहे हैं, हम पहले से तेज गति से निर्माण कर रहे हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।